Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Ashima Saxena. And if you are new to this channel, आप लोगों को पता है क्या करना है? Subscribe. ओके गाइस, तो टाइटल से आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो है सरोजनी हॉल वीडियो, जो मैं लास्ट टाइम सरोजनी गई थी और मैंने क्या क्या लिया उसके बारे में. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी इस बार का कलेक्शन आई डोंट थिंक इतना अच्छा आया. मतलब जैसे मेरे साथ होता है, अगर मैं कुछ शॉपिंग करके आती हूँ तो मैं खुश होती हूँ कि वाओ न्यू कपड़े हैं, मैं उन्हें ट्राई करूंगी और मम्मी को दिखाऊंगी, ऐसे बहुत खुश होती हूँ. बट इस बार ही अगर मैं शॉपिंग करके आई ना, मैं खुश नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आई नहीं रखा है. बहुत मतलब ऐसा नहीं होता, कई बार मैंने ये चीज़ नोट करी है, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपको अच्छे कपड़े नहीं मिलते, और जब आपके पास पैसे कम होते हैं या नहीं होते हैं ना, तो आपको हर शॉप पे कुछ अच्छा अच्छा देते हैं. तो आई थिंक पता नहीं क्या हुआ, इस बार ही मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. बट फिर भी मैं सेलेक्ट करके लाई हूँ चीज़ें और मैं आपको दिखाती हूँ. सो जो पहली चीज़ है जो मैंने ली है वो है ये स्कर्ट्स. 1, 2, 3. आई नो तीनों बहुत सिमिलर है, बट मुझे ना ऐसे स्कर्ट्स चाहिए थी. ये पिन इंटरेस्ट वाली वाइब देते हैं पूरी, और आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडी हो रखी है स्कर्ट्स. तो और मैं ऑनलाइन सर्च भी करते हैं हम लोग, तो मिनिमम आपको मिलेगी 500, 600, 700, अगर मिनिमम भी कहीं मिलेगी तो वो 300 की मिलेगी. तो जाते के साथ ही मैंने ये, जैसे मैंने एंटर किया थोड़ा सा ही चल के गई और मैंने देखा स्कर्ट्स, और वो ऐसे लगा हुआ था. और ये 3 स्कर्ट्स मैंने ली है जो कि मिली है मुझे सिर्फ ₹150 की. आपको दिखाती हूँ मैं. पहली स्कर्ट मेरी ये है, ये प्लेटेड है. एंड सेकेंड वन जो है ये है क्यूट सी स्कूल यूनिफॉर्म टाइप की, इस पर कुछ लिखा भी हुआ है जर्नी. एंड जो थर्ड है वो ऐसी है, ये भी प्लेटेड है एक्चुअली. सो अब मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ. टडा! सो ये रहा मेरा पहला आउटफिट कंप्लीट. मतलब वैसे तो सिर्फ स्कर्ट ही ली है मैंने, पर एक नॉर्मल से सिंपल से टॉप के साथ ये स्कर्ट डालने से ही पूरा आउटफिट इतना ज़्यादा क्लासी, इतना ज़्यादा प्यारा बन गया है. I mean, मस्त लग रहा है. बस एक बार ये आप अच्छे से देख लो. सो जो सेकंड स्कर्ट ली है वो भी मैं इसी टॉप के नीचे ट्राई करने वाली. सो ट्रांजिशन देखिए, 1, 2, 3. सो ये रही मेरी स्कर्ट नंबर 2. एंड इसको पास से देखते हैं. वैसे तो ये बहुत क्यूट है, बट मुझे इसका ना लेंथ समझ नहीं आ रहा. या तो मतलब यहाँ से तो परफेक्ट है, पर मैंने इसको बहुत ऊपर करके बांध दिया, या तो मेरी हाइट छोटी है. बट दिखने में इतनी बुरी नहीं लग रही है, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ज़्यादा थोड़ी मेरे लिए बड़ी है. और इसमें पॉकेट्स भी हैं. कहाँ गई पॉकेट, सॉरी गाइस, थी पर ये रही. एंड इधर भी है, इधर ये जिप ओपन. एंड ये रही, थैंक यू चिका. एंड अभी क्या हुआ, मैं इसको जस्ट ऐसे ही चेक कर रही थी कि ये इसकी क्या है स्कर्ट में पॉकेट वगैरह, इसमें से मुझे क्या मिला है आपको दिखाती हूँ मैं. ये देखो, ये एक लव लेटर मिला है मुझे, चाइनीज में लिखा हुआ है. ये देखो, किसी ने हर्ट भी बना रखा है, डेट भी लिखी हुई है, एंड ये पूरी चाइनीज है. एंड मुझे इतना स्ट्रेंज लगा देखो. और ये भी निकला इसमें से कुछ कॉफ़ी का, जो भी है बहुत कूल है. ये अच्छा लगा मुझे, ऑलरेडी किसी ने मुझे लव लेटर दिया. तो इसकी बात ना करके कपड़ों पर ध्यान देते हैं. सो ये रही मेरी लास्ट
स्कर्ट और वो पीछे दिख रही होंगी आपको बाकी। सो ये रही लास्ट वन और इसमें भी पॉकेट्स है दोनों साइड। मतलब सीरियसली 150 रुपीस में ऐसी स्कर्ट्स, एकदम स्टाइलिश और एकदम मस्त क्वालिटी है, सबके साथ शॉर्ट्स भी अटैच हैं और 150 रुपीस में। मतलब ऐसा, मतलब स्कर्ट्स अभी पहनने के बाद जो इतनी अच्छी वाइब आ रही है उसको देख के ये तो लग रहा है कि जितना मैं डिसअपॉइंट हो रही थी कि इतना मज़ा नहीं आया, वो वसूल हो गया। तो मेरी बकवास ना सुनते हुए आप लोग कपड़ों पे ध्यान दें। ओके गाइस, तो स्कर्ट तो इतनी ली मैंने, सिर्फ 3 ली थी, अभी भी आपको दिख रही होंगी। सो जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली है वो मेरी फेवरेट है। मतलब एक होता है ना, जब हम शॉपिंग करके आते हैं एक चीज़ जो होती है वो हमें बेस्ट लगती है, तो ये वाली मुझे बेस्ट लगी। और ये क्या है, ये एक ड्रेस है ऐसे सिंपल, और नीचे से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एकदम क्यूट सी ड्रेस है ये, पूरी बारबी वाली वाइब्स। अगर ये मतलब व्हाइट कलर होता या पिंक, पूरी बारबी वाइब्स देता। बट बारबी ब्लैक भी पहन सकती है, पहन सकती है, उनको मना थोड़ी ना, बट वो पिंक ज़्यादा पहनते हैं। तो ये ड्रेस मैंने ली है शॉप नंबर 54 से, और उधर पूरी शॉप पे सिर्फ 200 की ड्रेसेस मिल रही थी, तो ये भी मुझे मिला है सिर्फ ₹200 में। तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ऐसे तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं बैक कैमरे से ही दिखाती हूँ। टडा, और ये रही मेरी ड्रेस। लिटरली इतनी क्यूटी लग रही है ना ये ड्रेस, बहुत ज़्यादा क्यूट है, यू कैन सी। सो गाइस, ये ड्रेस मुझे मिली सिर्फ ₹200 में। मैंने ऑलरेडी बता दी बट मैं दोबारा बता रही हूँ, मतलब 200 में इतनी अच्छी क्वालिटी, आई कैंट इमेजिन। और मैं सोच तो रही थी ऐसी ड्रेस मुझे और मिले बट नहीं मिली। मतलब इस बार की मार्केट ऐसी थी, बहुत सारी चीज़ों में से मेरे को पिक करना पड़ रहा था कि हाँ ये अच्छा है ये अच्छा, वरना कई बार तो ऐसे होता है हाँ ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, बट इस बार करना पड़ा। बट फिर भी मुझे बेस्ट चीज़ मिली, तो एक्सप्लोर तो करना चाहिए चीज़ों को। तो ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ओके, सो जो लास्ट चीज़ मैंने ली है वो है टॉप, एंड मैंने ये 3 टॉप लिए हैं, ब्लैक वाइट लेवेंडर। और ये मैंने लिया है एक्सपोर्ट लेन से। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है, कैसा है, क्यों है, ठीक है। तो ये है, पहले बात करते हैं इसकी। ये एक शर्ट, मैं टी शर्ट और शर्ट में कंफ्यूज होती, सो हाँ ये शर्ट है। ये मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में पहन ली है, जब मैं अभी गरम धरम गई थी तो मैंने यही पहनी थी, सिंपल सी। और जो सेकंड चीज़ है वो है ये वाला टॉप, ये बहुत क्यूट सा है। इसके यहाँ ऐसे बटन्स लगे हुए और ये पफ स्लीव्स। और जो लास्ट टॉप है वो ये है साटिन का। ऐसे तो ये आप लोगों को समझ नहीं आने वाला क्योंकि बहुत अलग सा है ये, मैं दिखाती हूँ फिर भी, रुको। ये ऐसा टॉप है, ये इधर से जाएगा और ऐसा जाएगा, मैं आपको पहन के ही दिखाती हूँ। और ये इसकी पर स्लीव्स ऐसे पफी वाली है, तो मैं अब ये आपको पहन के ही दिखाती हूँ। सो ये रहा टॉप, मैंने वेयर कर लिया है और मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। सो ये रहा मेरा टॉप, और काफ़ी मतलब इसका पैटर्न डिफरेंट था बहुत ज़्यादा ही। एक तो स्लीव्स भी साटिन का ऊपर से, और इसका ये थ्रेड ऐसे अंदर से निकल के थोड़ा वो यहाँ से घूम के फिर इसका नॉट लगा है। मतलब ऑल ओवर जो इसकी लुक आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी आ रही है, एंड जस्ट फॉर ₹200।
रूफटॉप नंबर 2। सो गाइस ये रहा हमारा टॉप नंबर 2 और ये दिखने में जितना प्यारा है उतना ही ज़्यादा टाइट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मेरे से ये बिल्कुल भी पहना ही नहीं जा रहा। ऑल दो इसकी लुक बहुत ज़्यादा क्यूट है। सो गाइस ये रही मेरी लास्ट शर्ट, टॉप नहीं है, मैं टॉप बोलने वाली थी, और इसकी लुक कुछ ऐसी है सिंपल सी। अभी मैंने इसके अंदर जो टॉप पहना है ये पूरा दिख रहा है, बट एक नॉर्मल कैमी टॉप पहनेंगे तो इट विल वर्क। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक है, अच्छा लगा मुझे इसमें। इसके बैक पे भी नेट है तो हमें कुछ अंदर वाइट ही पहनना पड़ेगा वरना सी थ्रू हो जाएगा। सो गाइस दैट्स इट, इतना ही लाई थी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं लाई। और फिर भी कई लोग आके कमेंट बोलेंगे इतना सब तो लिया और फिर भी कह रहे हो कि ज़्यादा कुछ नहीं लिया, तो ठीक है बकवास साइड रखते हैं, यही तक थी हमारी वीडियो। एंड वन मोर थिंग, मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है कि मैं सोच रही हूँ 7 डे 7 चैलेंज वीडियो करूँ, मतलब उसमें क्या होगा, आप लोग मुझे चैलेंजेस दोगे और 7 डेज तक कंटिन्यूसली मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और 7 डेज पूरे चैलेंजेस आएंगे। आपको क्या करना है, आज रात को 8 बजे मैं इंस्टा पे स्टोरी डालूंगी कि क्या चैलेंज होने चाहिए और आप लोग अपना ड्रॉप करना, कुछ जो भी सजेशन होगा आप लोगों का कि ये वाला करना है ये वाला, तो जो बेस्ट वाले चैलेंजेस होंगे वो मैं करूँगी। ठीक है, मेरे को यही कहना था और और हाँ बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा वाला आउटफिट कौन सा लगा। ठीक है, बाय बाय।